आपल्याला सर्वप्रथम शिकायचं असते सेल्स, आणि आपल्या नॅचरोपॅथी मध्ये श्वासाला खूप महत्व आहे सर. रणजित सर आपण जर व्हिडिओ दिसला तर चांगलं राहील. आवाज क्लिअर नाही ना सर, मग व्हिडिओ असाय का? बघा तुम्ही स्टार्टिंगला सुरुवातीला राहू द्या, नंतर मग चेंज करू शकतो आपण. ओके सर. हॅलो. हां मी सर रेकॉर्ड करतो ना, सुरुवातीला थोडासा तुमचा व्हिडिओ दिसेल, नंतर मग तुम्ही ऑफ केला तरी चालेल. ओके सर. मी डॉक्टर रणजित बसवण आहे, प्रेसिडेंट नॅचरोपॅथी आणि होमिओपॅथी डॉक्टर्स मल्टीपर्पज असोसिएशन. आपण आज सुरू करणार आहोत शरीरशास्त्र क्रिया विज्ञान, जो इथे डिप्लोमा इन नॅचरोपॅथी आणि युटिक सायन्स या विषयाला खूप या मुद्द्याला खूप महत्वपूर्ण आहे. आणि सर्व प्रकारच्या मेडिकल सायन्स मध्ये शरीरशास्त्र आणि क्रिया विज्ञान म्हणजे अॅनाटॉमी आणि फिजियोलॉजी खूप महत्वाचा विषय आहे. या विषयाशिवाय तुम्ही डायग्नोसिस करू शकत नाही. तर आपल्या योगामध्ये आणि नॅचरोपॅथीमध्ये सर्वात महत्वपूर्ण आपण लक्ष केंद्रित करतो ट्रीटमेंटमध्ये श्वासोच्छवासावर, म्हणजेच रेस्पिरेटरी सिस्टीमवर. तर आपण आज रेस्पिरेटरीचा विषय घेणार आहोत. रेस्पिरेटरी सिस्टीम म्हणजे काय, एअर इंटेक कॅपॅसिटी किती असायला पाहिजे, ऍक्च्युली त्याचं डेफिनेशन काय आहे, हे सगळं आपण घेणार आहोत. तत्पूर्वी आपण रेस्पिरेटरी सिस्टीम सुरू करायच्या पूर्वी त्या रेस्पिरेटरी सिस्टीमच्या ऑर्गन्सचे नाव आपण लिहून घेऊया. तर आपण सुरू करूया रेस्पिरेटरी ट्रॅक म्हणजे श्वसन पथ. हम सुरू करते हिंदी में चलेगा की मराठी में चलेगा? हिंदी घेतला तर सर्व म्हणजे काही विद्यार्थी असे आहेत ते हिंदी साइड राहतात, त्यामुळे सर्वांना सुटेबल व्यवस्थित राहते. ओके सर. आज हम ले रहे श्वास पथ मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक. रेस्पिरेटरी ट्रैक नासिका से लेकर फुफ्फुस के वाष्पकोशों तक निरंतरता से स्थित श्वसनीय अंग है, जिससे होकर वायु गमन करती है और श्वास पथ का निर्माण करते हैं. मतलब नासिका से लेकर जो वायु कोश है जिसे हम एल्वियोलाय कहते हैं, नासिका को नोज कहते हैं, नोज से लेकर एल्वियोलाय तक जो पथ बना हुआ है उसे हम कहते हैं नासिका श्वसन पथ मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक. तो सबसे पहले इसमें आता है नेजल कैविटी, नोज आप लिख लीजिए नोज. इसके बाद में आता है फैरिंग्स, फैरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ट्रकिया, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकियोल्स, होता क्या है एक्चुअली, इसका काम क्या है. तो हम शुरू करते हैं अभी श्वासोच्छवास जो है, श्वास पथ जो है, एक एक्सटर्नल और इंटरनल जो श्वास है मतलब बाह्य श्वसन संस्था और इंटरनल श्वसन, इसमें दो प्रकार का श्वास होता है, एक प्रश्वसन और एक निश्वसन. तो प्रश्वसन मतलब एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन मतलब प्रश्वसन मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन मतलब निश्वसन. तो ये आपका थोड़े जो वर्ड है वो इंग्लिश में चलेगा ना? हॅलो चालते सर म्हटलं थोडस सर. सबसे पहिले आता आहे फिर इन्स्पिरेशन. इन्स्पिरेशन के दौरान
इंट्राफ्रक्टल पेशियां जो है डायफ्राम दोनों तंत्रिकाओं से उत्पीड़न होकर साथ साथ में, अभी आपको तंत्रिका समझने के लिए नर्व सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन पहले तो आप प्रश्वसन पहले पढ़ लीजिए, मतलब इंस्पिरेशन पढ़ लीजिए। जब हम सांस अंदर लेते हैं, और नेजल कैविटी से होते हुए फिर लैरिंग्स, फिर फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस और एल्वियोलाई से जब ना ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, ब्लड में प्रवेश करता है, फिर ब्लड पूरे शरीर में जाकर सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है और सेल्स में ऑक्सीडेशन होता है, सेल्स में ऑक्सीडेशन हुए वक्षीय गुहा या आयतन बड़ा बढ़ जाता है और फेफड़े जो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं इस बड़े हुए खाली स्थान को भरने के लिए फैलते, इनके फैलने से वायु तथा फेफड़ों में विद्यमान वायुकोश एल्वियोलाय, जिसे हम वायुकोश को एल्वियोलाय कहते हैं, वो एल्वियोलाय में दाब बढ़ जाता है और वायु के दाब कम हो जाने से जिससे बाह्य वातावरणीय वायु खींचकर वायु में पथों से होकर फेफड़ों से वायुकोश में प्रविष्ट हो जाती है, यही प्रक्रिया जो है इसे इंस्पिरेशन कहते हैं। फिर हो गया एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन के दौरान इंट्राफ्रक्टल पेशियां जो है और डायफ्राम जो है शिथिल हो जाते हैं, जिस वजह से इनके शिथिल होने से वक्षीय गुहा जिसे हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, चेस्ट कैविटी में रिलैक्सेशन आ जाता है और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ श्वास है वो बाहर निकल जाता है, मतलब उसे ही बाहर निकलने को हम निश्वसन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेजल कैविटी, ये हो गया पहले तो हमने पढ़ लिया प्रश्वसन और एक निश्वसन, अब पढ़ लेते हैं हम नेजल कैविटी मतलब क्या है ना। पहले हम पढ़ लेते हैं नेजल कैविटी, नासिका या नाक इसे हिंदी में कहते हैं हम, वातावरण की हेलो कुछ बोल रहे थे पाटिल सर, वातावरण की वायु श्वास पथ में जाकर नासिका के द्वारा प्रविष्ट होती है, बाह्य नासिका नाक का दृश्य भाग है जो नासिका अस्थि मतलब नेजल कैविटी से जो हमारी नाक बनती है उसे नेजल कैविटी कहा जाता है, नेजल बोन्स और नेजल कार्टिलेज से हमारी नाक बनी होती है जिसे नेजल कैविटी कहा जाता है, जो एक उपास्थि निर्मित विभाजक पट नेजल स्पेक्ट्रम द्वारा दाहिने एवं बाईने दो बराबर भागों में विभाजित रहती है। नासिका गुहा का ऊपरी भाग जो है रूप इथमोइड अस्थि की छिद्रिल प्लेट से स्पिनोइड अस्थि तक फ्रंटल अस्थि द्वारा बनता है और इसका तल जो है फ्लोर जिसे हम तल कहते हैं जो फ्लोर है वो मुख की छत पर स्थिर कठोर एवं कोमल तालुओं से बनता है, कठोर तालु मैक्रिला अस्थि एवं पलाइटिन अस्थि से मिलकर बना होता है तथा कोमल तालु अनैच्छिक पेशी का बना होता है, इसकी पार्श्वीय भित्ति जो है मतलब पोस्टीरियर ग्लैंड जो है मैक्सिला अस्थि पलाइटल अस्थि एवं वर्टिकल प्लेट इथमोइड अस्थि तथा टर्बिनेट अस्थियों से बनते हैं। तो ये है अपना नासिका गुहा, अब इसका काम क्या है, गुहा को विभाजित करने के लिए नासिका पट मतलब नेजल स्पेक्ट्रम का पिछला भाग की परपेंडिकुलर प्लेट एवं ओमर अस्थि के द्वारा बना होता है तथा अगला भाग काचांबो
गुफा स्टील का बना होता है, नासिका पट से नासिका गुफा की मध्यवर्ती भित्ति बनती है। अब देखिए नासिका का काम क्या है, सांस को अंदर लेना। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ कि तो एक मिनट हाँ करू सकता सर क्योंकि आपको पहले तो डायग्राम बताना पड़ेगा। ये देखिए ये है डायग्राम हमारी, ये नेजल कैविटी है जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको नीले नीले रंग का, उसमें लिखा भी है नोज साइड में, और फिर आता है अपना ओरल कैविटी जो नीचे है, फिर उसके बाद में फैरिंग, और ये होता है लैरिंग। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कर्सर नहीं दिखता है इसीलिए नहीं हो पा रहा है। तो ये लैरिंग्स आप देख सकते हैं, देख लीजिए आप डायग्राम में, और फिर आता है ट्रकिया, फिर आता है ब्रोंकाई। ये देखिए मेन ब्रोंकाई यहाँ पे लिखा है, मतलब जो बायफर्केशन होता है उसे ब्रोंकाई कहते हैं, और ये जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के, येलो कलर के और ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो ब्रोंकियोल्स हो जाते हैं, और लास्ट में होते हैं एल्विलाई, मतलब वायु कोश। अब सांस जो है ये नेजल कैविटी से एंटर होती है, देखिए आप स्क्रीन पे नेजल कैविटी से सांस एंटर होती है और फिर जाती है फैरिंग्स में, फैरिंग से ट्रकिया में जाती है, ट्रकिया से ब्रोंकस में जाएगी, ब्रोंकस से फिर ब्रोंकियोस में जाएंगी, और फिर एल्वोलाई से लंग्स में जो ब्लड उपस्थित होता है ब्लड में सांस अपनी जाएगी। तो नासिका गुहा में दोनों ओर पार्श्वीय भित्ति से भित्ति में उभरी हुई तीन तीन वक्र अस्थिल प्लेटें पाई जाती है। ये देखिए वक्र अस्थिल प्लेटें एक दो तीन आपको दिख रही है, उभरी हुई तीन तीन वस्त्र जो है वक्र प्लेटें जो है पाई जाती है, जो अस्थिल हो जाती है, जिनने हम कहते सुपीरियर मिडी मिडियल और इंफीरियर प्लेट, मतलब नेजल कॉनकेव हम जिसे कहते हैं, उनको से सुपीरियर मिडियल और इंफीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर वाली, मिडियल मतलब जो बीच में है वो, और इंटीरियर मतलब जो सबसे नीचे है वो, ऐसे हम कॉनकेव नेजल में जैसे हम अस्थिल प्लेटें कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इंटीरियर नेजल कॉनकेव है, वह एक अस्थि होती है, मतलब एक वो बोन्स होता है जो कॉनकेव होता है, जो उतन होता है जिसे टर्मिनेट अस्थि भी कहा जाता है, इसका जो नाम दूसरा जो है उसे टर्मिनेट अस्थि भी कहा जाता है। इन तीनों नेजल ग्रंथि से जो नासिका गुहा का प्रत्येक अर्धभाग, मतलब अपर मिडल एवं लोअर, इन नासिका पथों में विभाजित हो जाता है। यही नासिका गुरु ये जो वायु मार्ग है ये होते है, और नाता ग्रसनी मतलब नेजोफेरिंग
नेजो फेरिंग जो है की और बढ़ते है। इन तीनों नेजल कोन की कारण ही नासा सेस्मिक कला का सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। लिखिए नासा ये जो है नेजल कैविटी का जो है वो श्लेष्मा मतलब क्या म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहती है वो बढ़ जाता है यदि हमें कुछ सर्दी वगैरह होता है तो नाक का काम है सांस अंदर लेना और उसे सांस को थोड़ा सा क्लीन करके हमारे फैरिंग्स तक पहुंचाना। जैसे कि श्लेष्मिक कला से जो अस्तरित होती है नेजल कैविटी मतलब श्लेष्मिक कला मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन से जो हमारी जो नेजल कैविटी होती है वो आच्छादित होती है और इसमें श्लेष्मा मतलब क्या म्यूकस कोशिकाएं होती है जिसे हम टॉबलेट और म्यूकस सेल्स कहते हैं जिनके स्त्राव से नासिका की श्लेष्मित कला नम चिकनी एवं छिप छिपी सी रहती है। जैसे म्यूकस से हमारा क्या होता है वो छिप छिपी सी रहती है और चिकनी रहती है। हमारे नेजल कैविटी में नथुने होते हैं, नथुने में विद्यमान बाल धूल के कण एवं सूक्ष्म जीवाणु आदि को अंदर जाने से रोकते हैं और वायु को छानने का काम करते हैं। हमने पहले बोला था कि शुद्ध जो वायु है वही हम थैरिंक्स तक पहुंचाने का कार्य हमारा नेजल कैविटी करता है। तो ये जो आप नासिका गुहा देख रहे हो स्क्रीन पे आपके जहाँ पर ये नीली नीली जो है ये नेजल कैविटी है इसमें जब ऑक्सीजन चले जाता है वायु चले जाता है तो उसमें जो है वायु को छानने का काम करते हैं। ये सूक्ष्म धूल कण तथा जीवाणु श्लेष्मा में छिपते होते हैं मतलब जो जीवाणु बैक्टीरिया जो होती है जो हमारे सांस लेते वक्त वायु में चले जाते हैं वो क्या होता है जो श्लेष्मा होती है मतलब म्यूकस होती है उसे चिपक जाते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन में जो रोम होते हैं रोम मतलब क्या हेयर्स होते हैं हेयर्स में श्लेष्मा को निगलने या बलगम के रूप में बाहर निकलने के लिए थैरिंक्स में पहुंच देते हैं। फिर हमें खांसी के द्वारा बाहर निकल सकते हैं जो छींक आती है या फिर हमें खांसी हो जाती है तो जो अंदर गया हुआ जो फॉरेन मैटर है वो निकलने का काम थैरिंक्स करता है। तो थैरिंक्स में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा थैरिंक्स के बारे में कि थैरिंक्स क्या है क्योंकि एक बजे तक है और ये हमारा सब्जेक्ट जो है श्वसन संस्थान ये काफी बड़ा है तो इसमें कुछ बीमारियां भी आती है तो आज थोड़ा सा इसका परिचय हम दे देते हैं फिर अगले ब्रेक में हमें इसे डिटेल से पढ़ना है। ठीक है तो अभी हम थोड़ा शॉर्ट में और इसका एक परिचय देते हैं कि हमें इसमें क्या पढ़ना है फिर हम आपको एक एक अंग जो है वो हम अगले पीरियड में आपको पढ़ा देंगे। तो फैरिंग मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसे ग्रसनी कहते हैं। ये देखिए फैरिंग आप नेजल कैविटी का जो बॉक्स है उसके नीचे चार अक्षर में लिखा है फैरिंग और ये जो लाइन है मतलब अपना ग्रसनी जिसे हम ग्रसनी कहते हैं या गला हम कहते हैं अंदर से जो फैरिंग्स कहलाता है। नासिका में से जो प्रविष्ट जो वायु है जो नाक मार्गों को पार करके हमारे फैरिंग्स में पहुंचती है उसे ग्रसनी का ऊपरी भाग जो है मतलब ग्रसनी का ऊपरी भाग मतलब सुपीरियर सरफेस जो फैरिंग्स का सुपीरियर सरफेस है वो स्पिनोइड बोन के मुख्य भाग द्वारा बनता है। स्पिनोइड बोन जो रहता है हमारे शरीर में उसके मुख्य भाग द्वारा वो बनता है तथा नीचे का भाग जो है इसोफेगस के साथ मिला रहता है। इसोफेगस मतलब अन्न नलिका जिसे हम इसोफेगस कहते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आती है। ठीक है जिसे हम इसोफेगस कहते हैं उसके साथ नीचे का भाग जो है वो मिला रहता है। यह कपाल के आधार के समीप तथा नासिका गुहा मुख गुहा मतलब ओरल कैविटी नेजल कैविटी एवं स्वर यंत्र के पीछे स्वर यंत्र मतलब वोकल कॉर्ड स्वर यंत्र के पीछे स्थित 12 से 14 सेमी लंबी एक पेशीय नली होती है जिसका ऊपरी सिरा चौड़ा होता है। एनाटॉमी के दृष्टि से ग्रसनी को ऊपर से नीचे की और तीन भागों में बांटा गया है। ग्रसनी जो है हमारे जो फैरिंग्स है उसे ऊपर से
नीचे की ओर तीन भागों में बांटा गया है। अभी थोड़ा सा इमेज तो जूम नहीं हो पा रहा है हमारे मोबाइल में, नहीं तो हम बता सकते थे आपको, और लेकिन हम उसका नाम बताने की कोशिश करते हैं आपको, आपको बताएंगे। सबसे पहला होता है नासा ग्रसनी, मतलब उसे इंग्लिश में कहते हैं नेसोफेरिंग्स। पहले तो नासा ग्रंथि मतलब नेसोफेरिंग्स, ये जो फेरिंग्स है ये ऊपर नेजल की तरफ जो है उसे नेसोफेरिंग्स कहते हैं। यह ग्रसनी का नासिका गुहा के पीछे जो कोमल तालु होते हैं इस स्तर से ऊपर वाला भाग होता है जिसे पोस्टीरियर नेजल नेरस कहते हैं। इसमें आकर ये खुलते हैं तथा इनके ठीक पीछे एवं पार्श्व में श्रवणीय नलिया, श्रवणीय नलिया मतलब ऑडिटोरी ट्यूब्स, जहां से हम सुन सकते हैं कान में से, वो ऑडिटोरी ट्यूब्स खुल जाती है नेसोफेरिंक्स के पैसेज में, नेसोफेरिंक्स में ऑडिटोरी नर्व्स खुल जाती है जिनमें से होकर वायु दोनों ओर के मध्य कर्णों मतलब क्या ईयर ड्रम्स तक जो है पहुंचती है। नासिका गुहा के समान नासाग्रसनी रोमयुक्त श्लेष्मिक कला से अस्तरित रहती है, मतलब रोमयुक्त श्लेष्मिक कला मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन विद हेयर, म्यूकस मेम्ब्रेन में हेयर होते हैं अपने रोम होते हैं जिससे आच्छादित रहती है जो अंदर को खींची हुई वायु को स्वच्छ करने में सहायक होती है। जो हम सांस लेते हैं अंदर वायु खींचते हैं उसमें सहायक होती है। नासाग्रसनी की पक्ष भित्ति जो है जो पोस्टीरियर वॉल है पर इसकी छत मतलब रूप से लटके लसिका भाव ऊतक के उभार होते हैं जिनमें फेरेंजियल टॉन्सिल्स या एडेनोइड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल्स, आप लिख लीजिए फेरेंजियल टॉन्सिल्स मतलब एडेनोइड्स कहते हैं, ADENOIDS एडेनोइड्स कहा जाता है। एडेनोइड्स के बढ़ने या प्रदाहित होने पर ग्रसनी में रुकावट पैदा हो जाती है, मतलब क्या एडेनोइड्स में अगर इंफेक्शन और इंफ्लामेशन हो जाता है तो क्या होता है हमारे फेरिंग्स में रुकावट पैदा होती है और हमें श्वासावरोध जैसी बीमारी हो सकती है। श्वासावरोध मतलब क्या, इसे हम एनाटॉमी में एस्फिक्सिया कहते हैं। अब टाइट इस पर एक स्पेशल हमें सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, एक स्पेशल हमें पीरियड लेना पड़ेगा कि व्हाट इज द एस्फिक्सिया, है ना। एस्फिक्सिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं जो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, अभी तो हम आपको ये रेस्पिरेटरी ट्रैक बताएंगे। तो इसमें इंफ्लामेशन और इन्फेक्शन अगर होता है तो फेरिंग्स जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले तो लिख लीजिए कि फेरिंजाइटिस मतलब क्या, इन्फ्लेशन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन इन द फेरिंग्स इज कॉल्ड एज फेरिंजाइटिस जिसे फेरिंजाइटिस कहते हैं। दिस मतलब स्वेलिंग आना या इन्फेक्शन होना, तो इसे फेरिंग्स में होता है इसीलिए फेरिंजाइटिस हम इसे कहते हैं। तो एडेनोइड्स में सूजन आने की वजह से या प्रदाहित होने की वजह से मतलब इसमें इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के वजह से इसमें सांस लेने में रुकावट पैदा होती है जिससे विशेषकर बच्चों में सांस लेने के लिए ये बीमारी होती है और उनके मुंह से सांस लेने लगते हैं छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। इसके साथ साथ ही जो श्रवणीय नलिया होती है मतलब ऑडिटरी ट्यूब्स जो होती है उनके मुख द्वारा बंद हो सकते हैं तथा बोलने में भी कठिनाई हो सकती है। ये होता है हमारे नेसोफेरिंग्स में कुछ कॉम्प्लिकेशंस और हमारा नेसोफेरिंग्स किस तरीके का होता है। सेकंड नंबर में आता है ओरोफेरिंग्स, हेलो ओरोफेरिंग्स मतलब आपको ये फेरिंग्स दिख रहा है और ये ओरल कैविटी दिख रही है आपको, ये ओरल कैविटी के आस में जो पीछे की तरफ लगा है उसे हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं। ये ओरल कैविटी के पीछे वाला भाग होता है, ओरल कैविटी मतलब अपना जो मुंह होता है अपना उसे कहते हैं हम ओरल कैविटी, इसके पीछे जो भाग होता है उसे ओरोफेरिंग कहते हैं मतलब मुख ग्रसनी हम कहते हैं। अब ये जो ग्रसनी है मुख गुहा है जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं के पीछे वाला भाग होता है जो कोमल तालु से एपिग्लोटिस
एपिग्लोटिस का मतलब हिंदी में होता है कंठ छद्म, मतलब एपिग्लोटिस तक है जहाँ श्वसन एवं पाचन मार्ग मतलब रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, श्वास प्रणाल मतलब ट्रकिया और इसोफिगस मतलब ग्रास नली अन्न नलिका के रूप में अलग अलग हो जाते हैं। ओरोफेरिंक्स में क्या होता है, जो इसोफिगस होता है और ट्रकिया जो होता है वो अलग अलग ओरोफेरिंक्स से ही होता है। जो ओरोफेरिंक्स एवं लैरिंजियोफेरिंक्स, लैरिंजियोफेरिंक्स मतलब क्या, लैरिंग्स का जो लगा हुआ भाग है, देखिए अपने डायग्राम में लैरिंग्स जहाँ पे है उसके साथ जो चिपका हुआ भाग है उसे लैरिंजियोफेरिंक्स कहते हैं। ओरोफेरिंक्स एवं लैरिंजियोफेरिंक्स की पेशियां जो है, जो पित्तिया निगलने की क्रिया को प्रारंभिक फेज में संपादित करती है। ओरोफेरिंक्स मुख से कलामय संकीर्ण पथों के एक जोड़े से गलतोरनिका या फोसे जिसे हम फोसेस कहते हैं कहा जाता है। जो निगलने अथवा मुख द्वारा तीन एवं पिछले श्वसन के द्वारा खुलकर चौड़ा हो जाता है। ओरोफेरिंक्स जो है स्ट्रेटिफाइड स्पेक्ट्रम एपिथेलियम से आस्तरित रहती है। ओरोफेरिंक्स की पार्श्व भित्तियां कोमल तालु एवं तालु के साथ मिली रहती है। इन भित्तियों की तह मतलब क्या, भित्तियों की तह मतलब फोल्ड्स के बीच जिन्हें पैलेटोग्लॉसल आर्सेज, पैलेटोग्लॉसल आर्सेज कहा जाता है, जिन्हें पैलेटाइन और ये जो लैरिंजियो
फेरिंग्स है, क्योंकि ऊपर तब तो फेरिंग्स ही रहेगा ना, फिर तो लेयरिंग शुरू होगा, है ना। तो ये फेरिंग्स के तीन भाग, ये है नेजो फेरिंग्स, ये ओरो फेरिंग्स जो नीचे का भाग है, बीच का भाग है, और सबसे नीचे वाला जो भाग है उससे लेयरिंग जो फेरिंग्स हम कहते हैं, जहाँ से ओरल कैविटी का जो ओरल कैविटी में से जो हमारा इसोफेगस होता है, जो पाचन संस्था का तीसरे नंबर का जो अंग है, मतलब पहले तो माउथ कैविटी, फिर लैरिंग्स, और फिर इसोफेगस जो है, इसोफेगस के माध्यम से ये ट्रैक जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जरिए हमारा श्वास पथ में, तो यहाँ से इसका बायफर्केशन होता है। अगर आपको सवाल पूछा जाता है जब एग्जाम में आप रहेंगे, तो आपको सवाल पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी जगह है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग करते हैं, तो उसका नाम होगा लैरिंजो फेरिंग, ठीक है। लैरिंजो फेरिंग से ये बायफर्केशन का होता है। अभी हम फेरिंग से इसोफेगस की तरफ ले जाएंगे, क्यों, फेरिंग से इसोफेगस में जाने के लिए हमें फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, और हमें पढ़ना है अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हम इसोफेगस को यहाँ पे बंद कर देते हैं, जिसमें ये डायग्राम में हमें वो जो इसोफेगस है वो नहीं दिखाई दे रहा है। हम जाते हैं सामने, मतलब ट्रैकिया में, मतलब अभी ट्रैकिया से हम जाएंगे, जो ओरोफेरिंग से नीचे लैरिंजियल फेरिंग है, उसमें से सबसे पहले हम जाएंगे लैरिंग कंट्री के लिए। तो लैरिंग में कुछ लैरिंग इज कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट, मतलब चार भागों में उसे बांटा गया है, जिसे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। और लैरिंजो फेरिंग्स एवं नीचे की और श्वास नली के साथ मिला रहता है, मतलब स्वर यंत्र जो है, वोकल कॉर्ड जो है, वो ये जो भाग दिख रहा है आपको, हेलो आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, तो आवाज सर, तो आवाज यंत्र कहते हैं, मतलब वोकल कॉर्ड भी हम इसे सर आवाज कहते हैं, वोकल कॉर्ड जो है वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, वोकल कॉर्ड से ही वोकल कॉर्ड बनता है, ठीक है। तो ये जो है स्वर यंत्र, मतलब वोकल कॉर्ड ऊपर को जो है लैरिंजियल फेरिंग एवं नीचे की और श्वास नली के साथ, श्वास नली मतलब ट्रकिया, हेलो ट्रकिया के साथ जो है वो मिला रहता है, इसके ऊपर हेड ये जो ट्रकिया होता है, जो लैरिंग होता है, लैरिंग में ही क्या होता है हमारा हाइड बोन, अभी हमने आपको पढ़ाया था व्हाट इज द हाइड बोन, हाइड बोन क्या करता है हमारे टंग को एक आधार देने का काम करता है, जिसे हाइड अस्थि कहा जाता है। ये हमारी जो जीव है, टंग जो है, जीवा है, इसे इसके लास्ट वाले भाग को ये आधार देने का काम करता है, और हाइड बोन सामने गर्दन की पेशियां तथा पिछले लैरिंजियल फेरिंग्स और सर्वाइकल वर्टिब्रे रहते हैं। एक सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है ये, जो सात वर्टिब्रे होती है। अभी देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ताल्लुक है, उसका जो कनेक्शन है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम से भी है, मतलब हमारे गर्दन में जो है वो सात प्रकार की जो वर्टिब्रे रहती है, जिसे हम सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं। तो हमारे जो लैरिंग्स है उसके पीछे सात वर्टिब्रे रहती है, लैरिंग्स बीच में रहता है, और लैरिंग्स और वर्टिब्रा के बीच में क्या होता है, इसोफेगस होता है, और लैरिंग्स के सामने क्या होता है, हाइड बोन होता है, और ऊपर से क्या होता है, हाइड बोन को जो टच होती है, जो हाइड बोन का काम है हमारे आदर देना, तो उसमें एक चीज भी होती है, जिसे हिंदी में हम जीवा कहते हैं और एनाटॉमिकल उसे टंग कहते हैं, ठीक है। लैरिंजियल फेरिंग्स एवं सर्वाइकल वर्टिब्रे के दोनों पार्ट होते हैं,
मतलब रंजित सर लिफ्ट झालेले आहे, काही त्यांचा नेटवर्क प्रॉब्लेम असू शकतो, तर एक आपण त्यांचे 5 मिनिट वाट बघूया आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न असतील आपल्याला त्यांना काही प्रश्न विचारायचे असतील स्पेशल वेळ असेल क्लास संपल्यानंतर. हॅलो, हा सर काय झालं? नाही, मीटिंग सुरू आहे का? नाही, तुमचा आवाज नाही येत ना, तुम्ही पुन्हा जॉईन करा. आवाज आ रहा है अभी? हो सर, येतोय सर, बोला. हो सर, बोला सर, बोला, येतोय आवाज. बोला सर, बोला, येतोय आवाज.
हाँ ये तो इस तरह हेलो हेलो हाँ सर बोला हाँ सर बोला ना आपको स्क्रीन दिख रही हाँ सर दिख रही जूम होता है सर जूम होता है सर जूम होता है हाँ तो मैं आपको एडम टेम्पल के बारे में जो है थायराइड कार्टिलेज ये देखिए आप थायराइड कार्टिलेज जो दिख रहा है आपको ये थायराइड कार्टिलेज यहाँ पे एडम टेम्पल के रूप में हमें दिखाई देता है इसके ऊपर एक वी नॉट वी होता है जो एक दृष्टिकोण बनाते थे जिसे थायराइड नॉच भी वी नॉच को क्या कहते हैं थायराइड नॉच भी कहते हैं थायराइड उपास्थि जो है पीछे अपूर्ण रहती है मतलब जो थायराइड कार्टिलेज होता है वो पीछे तक पीछे से कवर नहीं करती है क्योंकि पीछे से क्या होता है उसे इसोफिगस अटैच होता है जिस वजह से देखिए पीछे से इसोफिगस अटैच है इस वजह से जो है वो पीछे से पूरी नहीं करती है और सामने से ही जो है वो रहती है ठीक है। अब थायराइड जो कार्टिलेज है वो स्त्रियों की अपेक्षा में पुरुष में बड़ी होती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मेल और फीमेल दोनों का दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये देखिए मेल का मैंने आपको पहले बता दिया था ये मेल का एडम सैंपल है जो वो थोड़ा ज्यादा ही है। अगर मेल थोड़ा हेल्दी रहता है तो मेल में एडम सैंपल नहीं दिखाई देगा लेकिन अगर मेल थोड़ा उसकी जो शरीर है वो अगर पतला होता है तो मेल में थोड़ा एडम सैंपल जो गले में जो उभार होता है वो थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा वैसे फीमेल में वो कम दिखाई देता है। मैं आपको कोशिश करता हूँ फीमेल का दिखाने की थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये देखिए ये दोनों चित्र जो है ये दोनों इमेज है ये है मेल के फीमेल के जो मेल की अपेक्षा में मतलब पुरुष की अपेक्षा जो क्रिया होती है उसमें एडम टप्पल थोड़ा उसका जो आकार है वो कम दिखाई देता है। अब एक फिगर एक आप चित्र में देखिए फोटोग्राफ में देखिए ये दोनों जो फिगर है ये फीमेल के है मतलब स्त्री के एक में उससे एडम सैंपल थोड़ा ज्यादा दिख रहा है और एक में एडम सैंपल दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है जिसमें एडम सैंपल नहीं दिख रहा है वो जो लेडीज है वो थोड़ी ज्यादा हेल्दी है और जिसमें एडम सैंपल दिख रहा है जो फिगर में एडम सैंपल दिख रहा है वो जो लेडीज है थोड़ी दुबली है अनहेल्दी नहीं बोल सकते उनको लेकिन वो थोड़ी दुबली है और ये थोड़ी सी ज्यादा हेल्दी है तो ये स्त्रियों में थोड़ा कम रहता है लेकिन पुरुषों में ऐसा नहीं होता। पुरुषों में ये ज्यादा बड़ा नजर आता है लेकिन हेल्दी पुरुषों में भी ये कम दिखाई दे सकता है ठीक है। ये देखिए ये पुरुषों में ये ज्यादा है अगर पुरुष हेल्दी है मेल अगर हेल्दी है तो यहाँ पे उसके गर्दन पे भी क्या होगा एक फैट डिपॉजिट हो जाएगा जिस वजह से ये जो एडम सैंपल जो आपको दिख रहा है ये मैं जूम करके बता रहा हूँ ये उसके
वजह से ढक जाएगा और ये सामने ज्यादा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये आगे हम अपने ओरिजिनल डायग्राम पे। हमने अभी आपको अब नेक्स्ट यह स्वर यंत्र की पार्श्व की एवं पिछले भित्तियों से बनती है, इसे सिलिएटेड एपिथेलियम से आस्तरित रहती है। ये जो है सिलिएटेड एपिथेलियम से आस्तरित रहता है। ये लास्ट में जो है एक नेक्स्ट वाला उसे एरिटेनॉइड एरिटेनॉइड उपास्थि मतलब एरिटेनॉइड कार्टिलेज कहते हैं। ये क्रिकॉइड उपास्थि के चौड़े भाग से शिखर पर अवस्थित पिरामिड के आकार की हाइलिन उपास्थि से निर्मित दो छोटी छोटी रचनाएं होती है जिनसे स्वर यंत्र की भित्ति बनती है। मतलब ये जो स्वर यंत्र है उसके जो पोस्टीरियर जो है वाल उससे बनते हैं। इनसे स्वर रज्जु के लिगामेंट एवं पेशियां संलग्न होती है। मतलब ये जो अपने वोकल कॉर्ड होते हैं उसके लिगामेंट इससे संलग्न होते हैं एरिटेनॉइड कार्टिलेज से। अपने जो है वोकल कॉर्ड के जो लिगामेंट्स होते हैं वो अटैच रहते हैं। इसके बाद होता है एपिग्लॉटिस मतलब कंठस्थ यह प्रत्यस्थ उपास्थि मतलब एलो इलास्टिक कार्टिलेज से निर्मित पत्ती के आकार की एक प्लेट होती है जो थायराइड नॉच के ठीक नीचे थायराइड उपास्थि की अग्रभित्ति की आंतरिक सतह से संलग्न होती रहती है। यह कुछ तिरछी होकर ऊपर जाकर जिह्वा के पीछे और स्वर यंत्र के ऊपर स्थित रहती है। यह से अस्तरित होती है। इसका मुख्य कार्य निगलने की क्रिया के दौरान स्वर यंत्र के द्वार मतलब ओपनिंग जिसे हम ग्लॉटिस कहते हैं को ढकना होता है। लिखिए यहाँ पे होता है वो डायग्राम में तो नहीं दिख रहा, मैं आपको दूसरे डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा क्लियरली। ये देखिए ये जो है इसे हम इसे हम क्या कहते हैं ग्लॉटिस कहते हैं। जो क्या करता है इसे जब हम निवाला खाते हैं निगलते हैं तो ये ओरल कैविटी में से हम जब पीछे की ओर धकेल लेते हैं तो ये यहाँ पे आके इसके वेट से ये बंद करने का काम करता है। जैसे ये पीछे के साइड में जो है इसोफेगस में जाकर के ना डाइजेशन सिस्टम में पहुंच सके और ये प्रक्रिया में प्रवेश ना करे। ये देखिए ये जो है आपको दिखाई दे रहा है ये देखिए एक साइड में मैं इसे ले जा रहा हूँ ये वाला एक कोने में जो है दिखाई दे रहा है आपको। ये है हायोइड बोन जो ये टंग के नीचे स्थित होता है। इसमें थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है आपको बता रहे वो क्लियर दिखाई दे रहा है। इसे ग्लॉटिस कहते हैं और ग्लॉटिस क्या करता है तो फिगर को ढकने का काम ये करता है। ठीक है, इसके बाद आता है वोकल कॉर्ड्स मतलब स्वर रज्जु। स्वर यंत्र या लैरिंग्स के आधार पर सामने की ओर थायराइड उपास्थि के फुहार को आंतरिक भित्ति से आरंभ होकर पीछे की ओर एरिटेनॉइड उपास्थि तक फैली होती है। एरिटेनॉइड उपास्थि तक जो है एरिटेनॉइड उपास्थि अभी डायग्राम में तो आपको दिख नहीं रही वो हम आपको बताएंगे
जो सभी प्रकार की अस्थियां है, जो अस्थि पंजर जो रहता है स्केलेटल सिस्टम, उसमें हम आपको सभी प्रकार की अस्थियां बताएंगे। ठीक है, जब लैरिंग्स की पेशियां संकुचित होती है तो एरिटेनॉइड उपस्थित, मतलब एरिटेनॉइड जो कार्टिलेज है वो स्वर रज्जू को पास पास ले आती है, जिस वजह से इनके बीच की जगह संकरी हो जाती है और एक ददार, मतलब एक घाटी जैसी बन जाती है। एक्सपिरेशन के दौरान वायु जब वेग पूर्वक इस ददार से होकर निकलती है तो स्वर रज्जु कंपित होते हैं और ध्वनि की उत्पन्न होती है। ये हो गया हमारा स्वर रज्जु। अभी हम आपको ये बताएंगे कि गैसीय विनिमय जो है वो कितना होता है, मतलब गैस कैसे होते हैं। अभी तो ये पीरियड में हम आगे और पढ़ना है क्योंकि बहुत से चीजें अभी बाकी है, स्वर रज्जु के बाद में, वोकल कॉर्ड के बाद में ट्रैकिया बाकी है, फिर ब्रोंकाई बाकी है, ब्रोंकियोल्स बाकी है, लंग्स बाकी है, एल्वियोलर बाकी है, डक्ट भी बाकी है ना, प्लीयूरा भी बाकी है, ये सब चीजें बाकी है। लेकिन हमें अभी आज के पीरियड में इतना आपको पढ़ लिए है, अभी लास्ट के जो 10 मिनट बचे 15 मिनट बचे समझ लो, इसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो हम सांस लेते हैं तो उसमें श्वास के अंदर ली हुई जो वायु में है कितने प्रकार के गैस होते हैं और कितने प्रतिशत होते हैं। तो आप लिख भी सकते हैं जो गैसीय विनिमय होता है, मतलब गैसीय एक्सचेंज जो होता है। हमारी आवाज सुनाई दे रही है आपको? आप जी सुनाई दे रही है? आप सकते हैं? हाँ सर। तो आप लिख भी सकते हैं कि श्वास के साथ अंदर ली हुई जो वायु में कौन कौन से गैसेस रहती है। तो उसमें सबसे पहले तो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन लिख लीजिए आप श्वास के साथ अंदर ली हुई वायु में। नंबर एक नाइट्रोजन होता है जो 79% होता है, देखिए सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका होता है नाइट्रोजन का। जो अपन सांस लेते हैं श्वास के अंदर जो सांस लेते हैं हम वायु लेते हैं उसमें एक नंबर पे होता है नाइट्रोजन जो होता है 79%। दूसरे नंबर पे होता है ऑक्सीजन, ये होता है 21%। ऑक्सीजन कितना होता है 21%। और तीसरे नंबर पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी हम सांस लेते हैं थोड़ा सा अंदर लेते हैं इसकी मात्रा होती है 0.04%। और बाकी जो बचा हुआ भाग है जो परसेंटेज है उसमें होता है जल बाष्प एवं जो छोटे मोटे जो गैसेस होते हैं वो सभी गैसेस और जल बाष्प जो है इसमें रहते हैं। तो हम जब सांस लेते हैं तो सभी ये चीजें हम अंदर लेते हैं। अब जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो क्या क्या छोड़ते हैं, हमें तो अब तक पता था सांस लेना मतलब ऑक्सीजन लेना और सांस छोड़ना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसमें भी बहुत सारे कंटेंट होते हैं। सांस जब लेते हैं तो आप लोगों ने लिख लिया नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और बाकी के परसेंट में जल वाष्प और अन्य जो वायु होती है अन्य गैसेज जो होती है वो होती है सांस अंदर लेते वक्त। और अभी हम निश्वासित वायु जो है तो हम वायु को बाहर छोड़ने वाले हैं, उसके दौरान क्या कौन कौन सी जो वायु है हम छोड़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नाइट्रोजन 79% भी जैसे हम लेते हैं वैसे बाहर छोड़ते हैं। तो जब सांस हम छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन 79% ही छोड़ते हैं, लिख लीजिए। जब हम सांस छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन 79% छोड़ते हैं और ऑक्सीजन जो है वो 16%, मतलब 16% ऑक्सीजन हम बाहर निकालते हैं जब हम सांस छोड़ते हैं। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, सांस लेते वक्त 0.04 था लेकिन सांस छोड़ते वक्त
4.5% में हम गैस जो है वो छोड़ते हैं और बाकी में जो है जलवाष्प तथा अन्य गैस जो है अत्यल्प मात्रा में हम छोड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा गैसीय विनिमय। इससे कुछ इश्यूज भी है जो हम अगले पीरियड में लेंगे। इश्यूज के नाम आप अभी फिलहाल नोट डाउन कर लीजिए, जो लंग जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से डिजीज जुड़ी हुई है उसे आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको कुछ नाम बताना चाहता हूँ, हम इसे भी अगली क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो लिख लीजिए आप फेरिंगाइटिस, ये होता है फेरिंग्स का डिजीज, आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में, नोट डाउन कर लीजिए। ये सबसे पहले होता है फेरिंगाइटिस, इसके बाद होता है लैरिंगाइटिस, लैरिंगाइटिस इसके बाद होता है ट्रकाइटिस, ट्रकाइटिस फिर ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस को अस्थमा भी कहा गया है, इसे दमा कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। लास्ट में होता एक और होता है लंग्स का COPD, इसे हम COPD कहते हैं, इसका लॉन्ग फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, COPD से हम कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और लंग्स में पानी जमा होने का भी आपने कहीं सुना होगा, तो उसे कहते हैं प्लूरल डिफ्यूजन, प्लूरल डिफ्यूजन, इसमें प्लूरा जो है वो ज्यादा डिपोजिट हो जाता है, इसे हम प्लूरल डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें दो प्रकार के इन्फेक्शन भी होते हैं, एक लोअर ट्रैक इन्फेक्शन जो हम अगले क्लास में आपको पढ़ेंगे, और एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को URI कहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन URI, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को LRI कहते हैं। हम ये सभी बीमारियों के बारे में और बचे हुए ऑर्गन्स के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हेलो, हाँ सर, काही विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारायचे का? सर मला असं वाटतं मुलांचे काही प्रश्न नाही आहे। काही नंतर जर प्रश्न आठवले मुलांना तर त्यांनी ग्रुपवर किंवा तुमच्याकडे पाठवले आणि आज कसं आज बरेच दुपारचा वेळ घेतल्यामुळे बरेच विद्यार्थी हजर नाही आहेत, तर आपण पुढल्या क्लास अशा वेळेस घेऊ की त्यावेळेस त्यांना सोडवलं सोपं होईल। विचारा सर, आमच्या इकडे
दादा हॅलो तर तू किती वर्षापासून तुम्हाला श्वास घेत होतो नाकाने घेतच नाही किती प्रयत्न केले दाखवले तेरा वर्षाचा मुलगा आहे लहानपणापासूनच पहिलेपासूनच बरं बाय बर्थ आहे का तो जन्म आहे का त्याला तेरा वर्षाचा आहे तो मुलगा बरं बरं आज बरं मग त्याच्या लेझर कॅपॅसिटी बरं त्याच्या लेझर कॅपॅसिटी हॅलो हा बोला सर आवाज येतोय हा त्याच्या नेझल कॅव्हिटी मध्ये इन्फेक्शन झालं असेल आपल्याला ते इन्फेक्शन नेझल कॅव्हिटीतून क्लिअर करायचंय म्हणूनच तो नाकाने श्वास नाही घेत म्हणजे त्याच्या नेझल कॅव्हिटी मध्ये आता जे शिकलो आपण त्या नेझल कॅव्हिटी मध्ये त्याला इन्फेक्शन झालेलं आहे त्याच्यामुळे तिथे इन्फ्लॅमेशन पण तयार झालंय मतलब म्हणजे सूज निर्माण झालेली आहे म्हणून त्याचा नाकाद्वारे जो श्वास आहे तो लंग्स पर्यंत जात नसल्यामुळे तो तोंडाने श्वास घेतो आहे त्याला जास्त ऑक्सिजनची गरज आहे म्हणून तो तोंडाने श्वास घेतो आहे एक किंवा त्याला खाप लागते का तो जेव्हा बोलतो चालतो तेव्हा हॅलो हॅलो त्यासाठी मॅडम नॅचरोपॅथीतूनच आपल्याला ट्रीटमेंट घ्यावी लागेल आपण बाकीच्या पण ट्रीटमेंट घेऊ शकतो काही प्रॉब्लेम नाही पण मला असं वाटतं की नॅचरोपॅथीतून घेतलं तर चांगलं बरं आहे फक्त त्याचा नेझल कॅव्हिटी मध्ये इन्फेक्शन आहे म्हणून त्याला नाकातून श्वास घेत आहे किंवा त्याला ब्रॉन्कायटिस पण असू शकतो म्हणून मी तुम्हाला प्रश्न करतोय की त्याला श्वास लागतो का त्याला अस्थम्याचा प्रॉब्लेम आहे का जर असं असेल तर फक्त तो प्रॉब्लेम नेझल कॅव्हिटी पुरता नसून ब्रॉन्कायटिस पर्यंत गेलेला आहे म्हणजेच त्याच्या ब्रॉन्कायटिस मध्ये पण इन्फेक्शन झालेलं असू शकतं हे आपल्याला तपासाआधीच कळेल त्याला तपासल्यानंतर परंतु हे दोन कारण असू शकतात ज्याला श्वास घ्यायला त्रास होतो हॅलो हॅलो आवाज येतोय माझा सर त्यांचा प्रॉब्लेम सॉल्व झाला असं वाटतं सर त्यांच्या लक्षात आलेलं आहे ठीक आहे सर मला तर असं वाटतं की पुन्हा असतील प्रश्न असतील तर आणि धन्यवाद हॅलो 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 सर आवाज नाही हा आवाज नाही आता आला सर आवाज त्या मुलाला काय म्हटलं पुन्हा सर पुन्हा सांगा काय विचारलं तुम्ही नाही सर आपण लक्ष त्या मुलाला त्यांनी नेहमी आपण लक्ष त्याला इकडे तपासावं लागेल त्याला काय प्रॉब्लेम आहे त्याला ब्रॉन्कायटिस पण असू शकतो एकदा चेक करावं लागेल त्याचे रिपोर्ट तरी पाठवा म्हणजे आम्हाला लक्षात काय करतेले नाकाने श्वास घेण्याची खूप सारे प्रॉब्लेम असू शकतात त्यापैकी मेजर कारण तर आम्ही तुम्हाला सांगितलं पण होऊ शकतं त्याच्या रेस्पिरेटरी ट्रॅक मधले ज्या मसल्स आहेत त्या पण कमी वर्क करत असतील त्याची फ्लेक्सिबिलिटी पण कमी झालेली असेल हे पण एक कारण असू शकतं त्याने मेडिसिन भरपूर घेतली
आहे सर, आणि नाकात तुफामध्ये पण टाकतात. ठीक आहे ना, एकदा रिपोर्ट पाठवून द्या म्हणजे आपल्याला. चालेल सर, चालेल, धन्यवाद सर. ठीक आहे सर, धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. आणि जूनचा तसेच डिसेंबरच्या बॅचेस सध्या सुरू आहेत. ठीक आहे सर. ठीक आहे सर.